हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदम सौदागर है। आज मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि व्हाट्सएप को पाइथन से कैसे यूज़ करा जाए। सबबॉट को इस्तेमाल करने के लिए आपको एपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले एपीएम कैसे इंस्टॉल करें उसका मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और एक वीडियो बना लूँगा कि कैसे एपीएम को इंस्टॉल करा जाए। तो ये है एपीएम, आप देख सकते हैं आप वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो। तो पाइथन से व्हाट्सएप चलाने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। वो लाइब्रेरी मैंने बनाया हूँ, उसका नाम है सबबॉट एपीआई। तो सबबॉट इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड डालना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल सबबॉट, लिख के एंटर मारेंगे आप तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। कोडिंग चालू करने से पहले हम बस चेक करेंगे कि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन बराबर से कनेक्टेड है कि नहीं। उसके लिए हम ADB डिवाइस कमांड यूज़ करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा नाम आ रहा है एंड्रॉयड डिवाइस का यहाँ पर। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड चालू करेंगे, जिसमें हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम सबबॉट को इंपोर्ट करेंगे कि हम आप उसके कमांड्स यूज़ कर पाएं। उसके बाद हम सबबॉट का इंस्टेंस बनाएंगे विद एस स्टेटमेंट यूज़ करके। इंस्टेंस बनाने के बाद हम सेंड मैसेज मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहले पैरामीटर में कॉन्टेक्ट डालेंगे और दूसरे पैरामीटर में क्या मैसेज भेजना है वो। ये प्रोग्राम रन करने से पहले मैं खाली व्हाट्सएप वेब खोल देता हूँ कि जैसे ही मैसेज आएगा आपको वो मैसेज दिखे हुए। प्रोग्राम रन करने से पहले एपीएम को चालू करना पड़ता है, जस्ट अ रिमाइंडर। तो जैसे आप देख सकते हैं हमको मैसेज रिसीव हो चुका है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं अब, जिसके अंदर सेंडर एक इक्वेशन भेजेगा और हमारा प्रोग्राम उसको सॉल्व करके रिप्लाई भेजेगा वापस। उसके लिए हमको एक इवेंट यूज़ करना पड़ेगा, इस इवेंट का नाम है मैसेज रिसीव्ड इवेंट। सो बेसिकली क्या होएगा इसमें कि हम एक कॉल बैक बनाएंगे मैसेज रिसीव्ड करके। वो कॉल बैक जब मैसेज रिसीव होएगा तब वो कॉल बैक रन होएगा, और वो कॉल बैक के अंदर हम कोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया मैसेज रिसीव्ड करके। वो फंक्शन हम मैसेज रिसीव इवेंट में पास कर रहे हैं। तो जब मैसेज रिसीव इवेंट होएगा, यानी जब कोई मैसेज भेजेगा बॉट को, तब मैसेज रिसीव्ड करके जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो रन होएगा। मैसेज रिसीव फंक्शन के अंदर हमने मैसेज को लिया है पैरामीटर में से और उस पर इवेल फंक्शन रन किया है जो उसका रिजल्ट निकालेगा। अगर इवेल फंक्शन रन करने में कोई एक्सेप्शन आता है तो हम एक फॉल बैक मैसेज ले लेंगे सम एरर रिकॉर्ड करके, उसको रिजल्ट में डाल देंगे। फिर रिजल्ट मिलने के बाद हम वापस वही कॉन्टेक्ट को सेंड मैसेज मेथड के थ्रू वो रिजल्ट वापस पास कर देंगे। फाइनली वेट फॉर फिनिश मेथड प्रोग्राम को रोक के रखता है वहाँ पर कि प्रोग्राम फिनिश नहीं हो जावे। प्रिटी सिंपल राइट। चलो एक इक्वेशन डाल के देखते हैं, 5 + 8 13 रिटर्न करना चाहिए, और 13 रिटर्न किया, परफेक्ट। अब थोड़ा एक बड़ा इक्वेशन डाल के देखते हैं ऐसे ही। और ये भी सही से चला, गुड इनफ। अब एक ऐसा मैसेज डालते हैं जिससे एरर आवे तो अपना फॉल बैक मैसेज दिखे हुए हमको। 1/0 करके देखते हैं और ये फॉल बैक मैसेज दिखा, परफेक्ट। तो दोस्तों ये है सबबॉट 2 का डॉक्यूमेंटेशन। आपको यहाँ पर सबबॉट 2 के बारे में हर डिटेल मिलेगी। सबबॉट 2 क्या है, क्या क्या फीचर्स है सबबॉट 2 के, सबबॉट 2 इंस्टॉल कैसा करा जाए, सबबॉट 2 कैसे यूज़ करा जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात, और क्या क्या मेथड्स सबबॉट 2 प्रोवाइड करता है जिससे आप व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं।
खाली लास्ट बात बोलना चाहता हूँ मैं कि सबबॉट 2 एकदम अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, तो इसके अंदर बहुत कम फीचर्स है और बग्स भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपकी मदद से सबबॉट 2 बहुत स्टेबल बन सकता है और फीचर रिच बन जाएगा इवेंचुअली। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक बटन दबाइए, आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा डिसलाइक दबाइए और सब्सक्राइब दबाइए और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर।